शुरू करते हैं हमारा शोल्डर के लिए वार्म अप वर्कआउट। पहला वर्कआउट शोल्डर रोटेशंस। ट्राई कीजिए कि आपके हाथ जो है वो आपके पैर के यहां पर हो और वो स्टिल। अपोजिट डायरेक्शन, कोशिश कीजिए इसमें कि आपकी नेक जो है वो ज्यादा मूवमेंट ना, जैसे मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं शोल्डर करना है तो वो ये मत कीजिए, आपका ये पेन होगा ज्यादा, शोल्डर पीपे पेन करेगा। सो बेटर आप नेक स्टिल रखिए अपनी एंड डू दिस। नेक्स्ट वर्कआउट, अपने दोनों हाथ अपने शोल्डर पर और अपने एल्बोज को जॉइंट करके रोटेट कीजिए, पहले एक डायरेक्शन में उसके बाद ऑपोजिट डायरेक्शन। थर्ड वर्कआउट, दोनों हाथों को सीधा रखिए एंड ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सर्कल बनाने की कोशिश कीजिए हाथ से, आपके दोनों हाथ स्ट्रेट हो ऐसे ना हो, ट्राई टू मेक अ राउंड सर्कल, ज्यादा बड़ा नहीं छोटा सा। अच्छा ये है, यहां से आप इसे ये राउंड सर्कल बना। इसमें आप ये मत कीजिएगा प्लीज, हम खेल नहीं रहे बच्चों की तरह, हमें शोल्डर वार्म अप करना है। तो जस्ट स्मॉल सर्कल देन अपोजिट डायरेक्शन। शोल्डर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रोटेटर कफ मसल्स, आपने बहुत सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे। बस जब आप शोल्डर का वर्कआउट करते हैं तो रोटेटर कफ मसल पे ज्यादा स्ट्रेस आता है। रोटेटर कफ मसल क्या है, वो कैसे फंक्शन करता है, वो कैसे डैमेज हो सकता है, उसको उसे हम रिपेयर कैसे कर सकते हैं, इसका वीडियो बहुत जल्द में यूट्यूब पर लाने वाला हूँ। रोटेटर कफ मसल का वर्कआउट बहुत लोगों का आपने देखा होगा जिम में करते हुए, डंबल्स उठा लिए एंड दे आर डूइंग दिस, ये करते रहते जोर से करते हैं, कभी आराम से करते हैं, बट ये वर्कआउट ना करें तो बहुत ज्यादा बेटर होगा, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा वजन को नीचे की तरफ खींचता है, ना कि आपके शोल्डर पे प्रेशर। इस वर्कआउट से आपके शोल्डर पे सिर्फ 10-20% ही प्रेशर आता है, ज्यादा नहीं आता। ये वर्कआउट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप मैट ले लीजिए और आप ये वर्कआउट सोकर कीजिए ऐसे। आपको बाहर लेके आइए बिल्कुल सीधा, दूसरा हाथ आपको यहां पर होगा, आराम करते हुए बेंड कीजिए हाथ को जस्ट 90 डिग्रीज, अंदर नहीं जाना है, बाहर ज्यादा नहीं रखना है, ये यहां से स्ट्रेट तो ये यहां से स्ट्रेट, तो हाथ को जितना होता है उतना नीचे लेकर जाइए बिना आपको शोल्डर को ऐसे ऊपर उठाए, यहां पर स्ट्रेस मत दीजिए ज्यादा, सिर्फ इसे हल्के से नीचे लेके जाइए जितना हो सकता है उतना। फिर ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर आपको लगता है कि आपका शोल्डर को ज्यादा उठ रहा है तो आपके दूसरे हाथ से आप अपने शोल्डर को पकड़ सकते हैं, ज्यादा जोर से पुश मत कीजिए, ये सिर्फ एक मेंटल रिलैक्सेशन के लिए है कि आपने शोल्डर को यहां से पुश किया है। दूसरा वर्कआउट सेम थिंग, हाथ को बॉडी के पास लेके आइए, यहाँ वेट्स है, ये 1, 2, 1, 2, 1। ये था हमारा शोल्डर वार्म अप वर्क। हर वर्कआउट के पहले वार्म अप करना बहुत जरूरी है, सो प्लीज वार्म अप कीजिए। वार्म अप में उतना अपने आपको स्ट्रेस मत कीजिए कि आपके मसल्स पेन करना शुरू कर दें। वार्म अप सिर्फ मसल को रिलैक्स करने के लिए होता है, ना कि उनका वेयर एंड टेयर करने के लिए होता है। ओके, सो ये था वार्म अप सेशन, नाउ गेट बैक टू द शोल्डर वर्कआउट, सी यू।